देर आर फाइव पैरेलल लाइंस ऑन अ प्लेन. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. ऑन द सेम प्लेन देर आर एन अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द फाइव पैरेलल लाइंस. हमें नहीं मालूम है कितनी लाइंस हैं. इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स फॉर्मड बाय ऑल दीज लाइंस इज 360 देन द वैल्यू ऑफ एन इज. नॉर्मली आपको लाइंस दी जाती है और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं. रेक्टेंगल बनाने की क्या शर्त है? हमें दो पैरेलल लाइंस चाहिए और दो पैरेलल लाइंस जो इन दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर हो वो चाहिए. तो कुल मिलाकर हमारे पास में ये फाइव पैरेलल लाइंस हैं. इनमें से हम कोई सी भी दो चुन लें, 5C2 एंड यहां पर हमारे पास जितनी भी ये पैरेलल लाइंस हैं इनमें से भी हम कोई भी दो चुन लें, लेट अस से ये टोटल n लाइंस हैं, तो NC2 हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा और ये वैल्यू हमें गिवन है 360. जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट लाइन चुनी है और सेकेंड लाइन चुनी है और यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चुनी है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल आ चुका है, राइट? 5C2 हमें मालूम होना चाहिए, 5 × 4. जनरल इसका अप्रोच क्या होता है, एक रिड्यूस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. 5 × 4 20/2 10. यहां पर 360 चाहिए, इसका मतलब है ये 36 होना चाहिए. थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आप कर लें. मान लीजिए 9 लाइंस हैं तो 9 × 8 = 72/2 करने पर 36 आ जाएगा, बिकॉज 9C2 अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वो होगा 9 × 8/1 × 2. 2 goes into 8 4 times and 9 into 4 36. So n की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी? एक आसान क्वेश्चन, आसानी से विद इन अ मिनट इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं.